हुण लिखो हेडिंग पुत्र हाइड्रोडायनामिक्स जदों आपां हाइड्रोडायनामिक्स की गल करते हैं फ्लोइंग लिक्विड लिक्विड फ्लो कर रहा है हुण जिहड़ा फ्लोइंग लिक्विड है उहदे च की हो रहा पुत्र कि जिद्दां तुहानूं शुरू च दस्या सीगा कि अगर आपां लिक्विड नूं पैक ऑफ कार्ड दे बराबर देखिए तां हर कार्ड लिक्विड दी की है लेयर और फ्लोइंग लिक्विड च की होएगा लिक्विड दी एक लेयर विद रिस्पेक्ट टू अदर लेयर मूव कर रही मतलब जदों लिक्विड फ्लो करता तो उदियां डिफरेंट लेयर्स दे विच रिलेटिव मोशन हुंदा रिलेटिव मोशन ठीक है हुण एक ना सी टर्म यूज करते हैं आइडियल लिक्विड आइडियल लिक्विड जदों मेरे सामने वर्ड आता तां उहदे बारे मैं एक तां कहना वा वी इनकंप्रेसिबल कंप्रेस हो ही नहीं सकता ते जदों मैं ये कहना कि इनकंप्रेसिबल लिक्विड है तां उहदा मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है सर असली में ऐसा कोई लिक्विड है भी है हम देखो इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब जिहदी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी जिन्नी मर्जी फोर्स लगा लो इतना कोई नहीं होना एक रेंज तक फोर्स लगाने ते तां रह सकदा है डेंसिटी कांस्टेंट रहे पर उस तो बाद बदलती है एक आइडियल सिचुएशन मतलब प्लस वन प्लस टू जिहड़ा बेसिक्स है साइंस दे तो इहदे च असीं आइडियल कंडीशंस ज्यादा लैंदे हां क्योंकि जिहड़ियां रियल कंडीशंस है उहदे विच जो मैथमेटिक्स है वह बियॉन्ड द रेंज नॉर्मल स्टूडेंट्स दी ना इस करके यह सारा केसिस आइडियल सिचुएशन नाल ही जुड़दे मैक्सिमम तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब है कि उहदी डेंसिटी कॉन्सटेंट और जो मैनू कोई कहे आइडियल लिक्विड तो वह इनकंप्रेसिबल जरूर होएगा तो दूजा पुत नॉन विस्कस हुण नॉन विस्कस टर्म साडे लई विस्कस टर्म साडे लई हो सकता थोड़ी नवी होए पर हुण जिद्दां मैं तुहानूं दस रहा जदों भी लिक्विड फ्लो कर रहा तां उहदियां डिफरेंट लेयर्स दे विच की हो रहा रिलेटिव मोशन है ना हुण पुत्र जदों किसी फर्श दे उपर सॉलिड बॉडी मूव करती है तो आपां कहने हां कि बॉडी दा फर्श दे नाल रिलेटिव मोशन है कि फर्श दे अकॉर्डिंगली मोशन च मूव कर रही है हुण जदों दा असीं कहने हां फ्रिक्शन लैस तो इहदा मतलब बॉडी मूव करी जाए उहदी फर्श और बॉडी च फ्रिक्शन जीरो है ठीक है पर जे रफ सरफेस है फिर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स दे पैदा होने का कारण की सी दस्या है ना आपां कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन नू खत्म कर दी है ना दो लेयर्स दे विच जिहड़ा रिलेटिव मोशन है उहनू खत्म करना चाहती है वो इतना एक्ट कर दी तो फ्रिक्शन दा संबंध है सॉलिड्स दे नाल पर हुण आपां गल कर रहे हैं फ्लूइड्स दी लिक्विड खास करके तो जिहड़े फ्लूइड्स है ना लिक्विड है उहदे विच जदों लिक्विड्स दीआं लेयर्स दे विच रिलेटिव मोशन हुंदा तां प्रैक्टिकली उहनां लेयर्स दे विच फ्रिक्शन दी तरां फ्रिक्शन दी ही कज़न सिस्टर जिहनूं असीं विस्कस फोर्स कह दिंदे हां
मतलब इको फैमिली दी है बट थोड़ा फर्क भी है ना, जिदा आप कहने चाचे ताए की कुड़ी है, मुंडे भी हो सकते हैं मतलब रिलेटिव है तो करैक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत मिलेंगे बट पूरे नहीं। तो हुण वो जिहड़ी विस्कस फोर्स है वो फ्रिक्शन वर्गी है, पर फ्रिक्शन दी कजन है। मैं ब्रदर सिस्टर नहीं कह रहा, कजन कहता भी कि समझ गया तुसी गल, पूरी नहीं बराबर बट फर्क है। तो फर्क की है, जिहड़ी विस्कस फोर्स है उहदा फ्रिक्शन नालों फर्क की है पुत्र, कि जिथे फ्रिक्शन दे बारे आपां कहने सी याद होएगा कि दो बॉडीज दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते डिपेंड नहीं सी करती, याद है, जबकि जिहड़ी विस्कस फोर्स है वो एपरेंट एरिया ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हुण ये मैं गल होर एक्सप्लेन करन लगा, लोड़ नहीं है। देखो जिथे दो सॉलिड बॉडीज आपस जुड़ जाएंगी तो उथे एक तो सानू अखां नूं लगेगा भी इन्ना एरिया जुड़िया होया, वह है एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पर जो असीं ध्यान नाल देखांगे तो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घट होएगा, एपरेंट अलग होएगा, है ना, ज्यादा महसूस होएगा, मतलब फर्क है। पर जिथे पुत फ्लूइड आ गया ना तो फ्लूइड्स का एपरेंट एरिया ते एक्चुअल एरिया बराबर ही होंगे हमेशा, समझ गए। हुण मेरे आले दुआले हवा है फ्लूइड, तो वो जी हवा है ना मेरे बॉडी के हर हिस्से पे टच कर रही है, तो इतना नहीं कोई गैप हो। इस करके क्योंकि फ्लूइड्स के केस जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ते एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उहदे च फर्क नहीं है, बराबर ही है। इस कारण करके जिथे फ्रिक्शन एपरेंट एरिया ते डिपेंड नहीं करती, एक्चुअल एरिया ते डिपेंड करती सी, तो इत्थे क्योंकि फ्लूइड्स दा एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते एपरेंट बराबर ही है, इस करके इत्थे असीं कह दिंदे हां कि विस्कस फोर्स एपरेंट एरिया ते डिपेंड करती है। तो जिन्ना ज्यादा सरफेस एरिया होएगा ना एपरेंट, उतना विस्कस फोर्स ज्यादा होएगी, जिन्ना कॉन्टैक्ट मतलब हां इतनी ज्यादा होएगी, बाकी फैक्टर्स भी होंगे। तो हुण विस्कस फोर्स दे पैदा होने लई फ्लूइड दी जेड़ी प्रॉपर्टी जिम्मेवार है उन्हूं कहने हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी फ्लूइड दी एक प्रॉपर्टी है। तो जदों मैं कहना आइडियल लिक्विड नॉन विस्कस, इहदा मतलब आइडियल लिक्विड दी विस्कोसिटी नहीं होएगी, मतलब आइडियल लिक्विड दी जिहड़ियां डिफरेंट लेयर्स है उन्हां दे विच विस्कस फोर्स पैदा नहीं होएगी, आइडियल सिचुएशन। तो नॉन विस्कस लिक्विड दा मतलब सानू पता लगना चाहिए भी इहदे च विस्कोसिटी नहीं है, जबकि विस्कोसिटी दे कारण विस्कोसिटी कौन है, लिक्विड दी एक लिक्विड नहीं फ्लूइड दी एक प्रॉपर्टी है। और इहदे करके हो की रहा कि लिक्विड्स दियां फ्लूइड्स दियां डिफरेंट लेयर्स दे विच जो रिलेटिव मोशन है वो पैदा भी हो रहा और खत्म भी हो रहा। सर इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, केदी विस्कस फोर्स वो भी दस दें, पर पहला हम अपना दिमाग च ले आ रहे गल भी विस्कोसिटी है की, तो विस्कोसिटी का संबंध की है। तो देखो बेटा प्रैक्टिकली जदों भी कोई लिक्विड या फ्लूइड फ्लो कर रहा तो ओदियां डिफरेंट लेयर्स मूव कर रही हैं और डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्पीड नाल चल रही हैं, इको जी स्पीड नाल नहीं चल रही। और इदा चलन के लिए जी प्रॉपर्टी जिम्मेवार है वह कौन है, विस्कोसिटी है। हुण तुसी नोट करके देखियो, ग्लास के विच पानी लो, पानी की जगह कोई होर लिक्विड भी ले सकते हैं, तुसी पानी नू जो ग्लास च पाता जग च भी हो सकता पानी, उस तो बाद एक लो चम्मच, चम्मच दे नाल पानी नू स्टर करो, इदा घुमाओ, स्टर करन तो बाद चम्मच बाहर कढ के रख लो, तो थानू महसूस होएगा, देखोगे जे ध्यान नाल पानी दा सरफेस देखोगे ना,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਘੁੰਮੇਗਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੌਲੀ, ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਰ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਰ ਲਓ ਗਲਿਸਰੀਨ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਰ ਲਓ ਹਨੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਲਿਸਰੀਨ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਮਚ ਹਿਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਿਸਰੀਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਹਨੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਘੁੰਮਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਮਚ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਚ ਰੋਕਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗਲਿਸਰੀਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁਕੂਗਾ, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁਕੂਗਾ। ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਣੀ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਜਾਊ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਿਸਰੀਨ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਤੇ ਹਨੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਏਗੀ, ਹਾਲੇ ਲਿਖਿਓ ਕੁਛ ਨਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਕਸ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਿਸਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੋਰ ਵਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ, ਖੰਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਲੂਬਲ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ, ਪਤਾ ਘੁਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ
किसी भी लिक्विड च इंप्योरिटीज ऐड करते हैं जिदा पानी च खंड पाई शुगर तो क्या वो ऐड करने नाल पानी की सरफेस टेंशन बढ़ेगी कि घटेगी तो उहदे लई इक्को एक पहचान की है कि जेड़ा मटीरियल सोलूबल है उहदे ऐड करन दे नाल सरफेस टेंशन वधदी है ते जेड़ा स्पैरिंगली सोलूबल है उहदे नाल घटदी है तो इहदा मतलब जदों असीं पानी दे नाल डिटर्जेंट या साबुन यूज करते हैं तो उहदा परपस की है भी असीं पानी की सरफेस टेंशन नूं घटा रहे हैं और पानी की सरफेस टेंशन घटाने का मतलब की होंगे कि जिन्नी सरफेस टेंशन लिक्विड की घट होएगी उन्ना लिक्विड ज्यादा फैलेगा एरिया ज्यादा कवर करेगा डीप पेनीट्रेट करेगा तो जो तुम कपड़े धोने है ना तो डिटर्जेंट साबन यूज कर मतलब असी पानी की सरफेस टेंशन घटा के पानी मौका दे रहे हैं कि वो कपड़ियां दूर दूर तक अंदर तक जाके डर्ट पार्टिकल्स नु बाहर खींच ले तो साफ धुलाई करे वो होंदा तो इसी करके जदों सर्दियों दे विच पानी थोड़ा जिहा गर्म कर लैने आ तो उहदा परपस भी की है कि उहदी गर्म होण नाल पानी दी सरफेस टेंशन घटदी ठंडा होण नाल वधदी तो सरफेस टेंशन दा कंसेप्ट जिहड़ा सीगा थोड़ा जिहा हुण मैनूं याद आ गया शायद कीता सी कि नहीं मैनूं नहीं दिमाग च तो हुण जिंदा पुत्र ऑयल है तो कुछ हेयर ऑयल्स जिहड़े है ना कुछ हेयर ऑयल वो महंगे है पर उन्हां दी स्मॉल अमाउंट यूज करन दे ही पूरा सिर कवर हो जाता है उहदा कारण की है वी उन्हां हेयर्स दी सरफेस टेंशन घट है तो जिन्नी सरफेस टेंशन घट होएगी ज्यादा फायदा अच्छा फिर सरफेस टेंशन के कंसेप्ट तो असीं कुछ गल्लां जिहड़ियां खाण पीन नाल संबंधित है जिद्दां डोसा नहीं लिक्विड नाल ना सरफेस टेंशन का संबंध सूप नाल है तरी वाली सब्जी नाल है हुण तुसीं नोट करके देखियो सूप ठंडा ते सूप गर्म टेस्ट फर्क आ जाता गर्म सूप ज्यादा टेस्टी लगता ना उसका कारण सरफेस टेंशन क्योंकि साड़ी जिहड़ी जीभ है उसके ऊपर टेस्ट बड्स है पता ठीक है ना टेस्ट बड्स है अलग अलग जगह से फैले हुए तो हुण कई बार मान लो आप जो खाना खाने तो आप दोनों साइड्स नाल च्यू करके खाने ना चबा के खाने पूरा मुंह वरपदे जीव तो खाना टेस्टी लगता पर किसी दिन मान लो कोई दंद च प्रॉब्लम है या एक साइड खा नहीं हो रहा दूजे साइड खाइए तो टेस्ट नहीं बनता पूरा फूड का खा के देखियो तो उसका कारण है कि पूरे टेस्ट वर्ड्स कवर नहीं हो रहे समझे तो जिहड़ी सरफेस टेंशन वाली गल आ गई जदों सूप थोड़ा हो गया ठंडा उहदी सरफेस टेंशन गई वध उन्हें फैलना नहीं ज्यादा उन्हें जीव ते कंसंट्रेटेड हो जाना एक जगह पे पूरे टेस्ट बड्स कवर नहीं करना तो टेस्ट च फर्क आ जाना चाहे कभी सी गाने सारा ही गर्म सर्द वाला कांसेप्ट भी ठंडी गर्म का फर्क ही है सरफेस टेंशन है ना हम घर जाके दस सकते हैं अपन भी आ फर्क है क्यों वो स्वाद है क्यों नहीं है ना उसका कारण बेसिक कुछ मतलब एक रीजन ये भी है तो हुण आ जाइए सरफेस इहदे ते विस्कोसिटी वाले ये सारा कुछ नोट्स जिहड़े सेंड कीते आ करवा ले फोटोस्टेट तू नहीं कराया मैं दिख रही है मतलब जहां जहां तक होता है फोटोस्टेट नहीं कराए देखे हुए हैं कुछ और करा ला पुत्र नोट्स रख लो संभाल के ओदे च बहुत कुछ कवर कीता हुआ है ग्रेविटेशन में बहुत कुछ लिखा है एकदम जो जैसे एग्जांपल्स होती हैं वो लिख लेते हैं ये सर मैं अभी हां या जो एक्स्ट्रा हो वो लिख लो वो नोट्स तैयार कर लो ताकि जिन्नी आप गल्लां बोल रहे हैं सुन रहे हैं तो भूल जानियां लिखियां हो गई तो फायदा हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम कवर किया हुआ है इन्हें सारा हुण वापस आओ तो लिखो विस्कोसिटी इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फ्लूइड का
inherent property of fluid by virtue of which an opposing force comes into play when relative motion between adjacent layers of liquid fluid takes place. Adjacent layers of fluid takes place. Sir, inherent का मतलब ऐसा होता क्या है? कुदरती inherent अंदरूनी जो कह दिया ना basic property है. तो हम जो viscosity का concept है वो तो हम दस्ता कि अगर ता रियल लिक्विड है आइडियल लिक्विड नहीं है तो हर लिक्विड दे प्रॉपर्टी विस्कोसिटी होती है हां तो जदों विस्कोसिटी होएगी ता कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी बारे भी गल होएगी हुन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नु समझन दे लिए देखो बेटा अगर थोड़ा लिक्विड विस्कोसिटी का सिंबल है हैं सिंबल है इसका नहीं विस्कोसिटी का नहीं है कोफिशिएंट का विस्कोसिटी का मेजर होने होना ना तेरे कौन सी क्वांटिटी है स्केल वाली है होना देखो मैं तुम्हारे सामने की करने लगा कि हमें लिक्विड दिया दो लेयर्स शो करती हैं जान के मतलब इतना गैप दिखाता जबकि है तो बेसिकली काफी नेड़े भी इन्हें भी चाहे ना डिस्टेंस है वो तो बहुत छोटा होगा और आज भी लिक्विड लेयर है तो इन्हें भी चल रिलेटिव मोशन का मतलब है कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v नालों अलग है तो कितनी का अलग है dv और इन दोनों के बीच जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दोनों का वो की है a मतलब आपस च जुड़ियां ही हुई हैं थोड़ा गैप है बीच तो एरिया ऑफ कांटेक्ट और दोनों लेयर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो है dx तो हूं बेटा क्योंकि आ लेयर इस लेयर तो फास्ट है तो जिस तरह आप ह्यूमन बीइंग्स के बीच देख रहे हैं रूटीन मैटर है कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर जनरल गल मैं कर रहा कि अगर मान लो दो फैमिली भरा है एक भरा दूजे नालों थोड़ा अमीर हो जाए है ना या दोनों जो पढ़ते हैं एक दे नंबर ज्यादा हैं दूजे दे घट हैं आपस च थोड़ी जैलसी हो जाती है कि नहीं वो जैलसी विस्कस फोर्स ही है एक तरह हुण जैलसी दा कंसेप्ट की है पुत्र कि जेडी आ दो लेयर्स दे विच रिलेटिव मोशन आ गया तो ए रिलेटिव मोशन दे करके जेडी विस्कस फोर्स पैदा होएगी वो की चाहेगी कि आ लेयर स्लो हो जाए अपोज करेगी ना रिलेटिव मोशन सर ये एक दूसरे के ऊपर है दोनों हां जैसे प्लेइंग कार्ड्स नहीं जैसे हैं कार्ड उन्हें थोड़ा जा गया है पर ना वो शो करके आप समझा रहे तो आज ये विस्कस फोर्स है F एक की चाहेगी कि दोनों के बीच जेड़ा फर्क है वो मिट जाए बेसिकली तो ये जेड़ी विस्कस फोर्स है ये एक ना डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस
बाकी तुम देख लो अगर एक भरा गल समझा ले एक भरा ज्यादा गरीब है एक बहुत अमीर हो गया तो जैलसी ज्यादा रहनी है ना जितना गैप घट होएगा उन्नी घटेगी है ना सो डी भी आ गया दूजा ये जी विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हम एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब की है जलंधर और अमीर भरा चला गया बॉम्बे या सिंगापुर तो जैलसी तो होगी पर उन्नी नहीं ज्यादा कदों होगी अमीर भरा भी नाल एक वड्डी कोठी बना के रह रहा है सवेरे शाम वड्डिया वड्डिया गड्डिया च निकल रहा पार्टीज कर रहा भी कॉन्टैक्ट ज्यादा बन रहा है ना फील करके देखो जो सिंगापुर चला गया उसे की कर रहा अपन अपना कॉन्टैक्ट घट गया आपस तो फीलिंग नहीं आ रही उदा कभी कभी महसूस होंगे बट जो सामने रोज ही पार्टी कर रहा इनवाइट कर रहा दस रहा भी इनी गड्डी लई आ कीता तो वह जैलसी वधेगी तो एरिया तीसरी गल है इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस हूँ जे तो भरा जिन्हें दूर की रिश्तेदारी होंगी जाएगी सके भरावान जैलसी ज्यादा होनी है भी एक बहुत अमीर हो गया तो जो रिश्तेदारी दूर की है मामे चाचे ताए के पिछले तो फिर जैलसी होगी बट घट होगी डी एक्स है ना हूँ अगली गल भी आनी है तो यह जी फोर्स है क्योंकि ये रिलेटिव मोशन डिस्ट्रॉय करती है तो आप ये लगाता पुत नेगेटिव साइन हूँ जो आप कंबाइन करा तो माइनस एफ प्रपोर्शनल टू ए डी वी बाय डी एक्स प्रपोर्शनैलिटी साइन को हटा के आप लिखा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी कहने कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुनो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड पे जी मैं गल डिस्कशन की है भी दो भरा है उन्होंने जनरल जैलसी की गल करके समझाया पर कई बार इदा भी हो सकता बड़ा आइडियल केस ही है बट कि जेड़ा गरीब भरा है और एक अमीर है बट दोनों दी प्रॉपर्टी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो ही है जीरो मतलब भी उन्हों कोई एडी दुनियादारी नाल मतलब नहीं भी अमीर हो गया ठीक है मैं अपने च ही हाँ मस्त तो वह इंटरनल प्रॉपर्टी आ गई वो तो यह नहीं भी हर एक केस च होना ही होना वा घट वध भी हो सकता ना किसी केस जैलसी बहुत बढ़ जाए किसी थोड़ी हो जाए सो ये इंटरनल प्रॉपर्टी तो हम आ फार्मूला बनेगेटिव साइन का परपज तो सिर्फ यही है कि रैलेटिव मोशन हो रहा है तो अगर साढ़े सामने लिक्विड दिया दो प्लेन लेयर्स है तो उन्होंने विस्कस फोर्स कटन का फार्मूला माइनस बीटा ए डीवी बाय डी एक्स है डीवी बाय डी एक्स देखो और जेडी विस्कस फोर्स है ना वो बेसिकली लिक्विड दे सरफेस पे कितना एक्ट करती है टेंजेंशियली एक्ट करती है तो इसका मतलब एफ ओवर ए इनू आपां एक तरह नाल टेंजेंशियल
पोटेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जदों भी लिक्विड दे दो प्लेन सरफेसेस दे विच, लिक्विड दे दो प्लेन सरफेसेस दा मतलब दो प्लेन लेयर्स, समझ आ रही है? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट लिखो, वही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पुत्र। तो जिहड़ा आइडियल लिक्विड है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हो जीरो, तो जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका एसआई यूनिट है डेका कॉइल्स, सीजीएस यूनिट है कॉइल्स। पूरे गल बड़े ध्यान ना समझ नहीं है, आमतौर पर ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जेड़ा यूनिट दिता होंगे ना कॉइल्स दिता होंगे, तो वो एसआई यूनिट नहीं है, सीजीएस है। तो वन डेका कॉइल्स इज इक्वल टू, डेका मीन्स टेन, one decapoise is equal to 10 poise, है ना? ये तो मतलब जे मेनू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी वैल्यू पॉइस च दित्ती है, मैं पहला उनू कादे च कन्वर्ट करना, डेकापॉइस च, एसआई च, है ना? ता कैलकुलेशन। अच्छा हुन लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इस दी वैल्यू विद राइज इन टेंपरेचर, coefficient of viscosity decreases for liquids, jede liquids hai na unna da coefficient of viscosity ghatda va with the rising temperature te jede gases hai unna da ulta hunda, for gases with the rise in temperature coefficient of viscosity increases. ठीक है, फिर देखो coefficient of viscosity of liquids is independent of pressure, but for gases coefficient of viscosity increases with the rising pressure, with the increase in pressure.